250 नई बसें कराची शहर में लाई जा रही हैं, 240 कराची के लिए और 10 बसें लाड़काना के लिए। पहली ट्रांच 50 बसेस की इंशाल्लाह 31 जनवरी से लेकर 7 फरवरी के बीच में इंशाल्लाह कराची शहर में आ जाएंगी। वही पुराना बयान, नई बसें आएंगी। मुर्तजा वहाब का इस बार कराची के लिए 240 बसें लाने का ऐलान। कहा तारीखी विरसों को बहाल करेंगे, इस साल 1.5 अरब कराची की सड़कों पर खर्च करेंगे, सिंध हुकूमत की मदद से तरक्याती काम होंगे। साबिक मेयर कराची पर तनकीद भी कर गए। इख्तियारात जो है ना, वो कभी कभार अगर ना भी हों, नियत हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। बट बदकिस्मती के साथ चूँकि माजी के मेयर की वो नियत नहीं थी, वो नहीं चाहते थे कि चीज़ें बेहतर हों, वो चाहते थे कि वो हर चीज़ पर सियासी नुक्ताचीनी करें, वो अपनी नाअहली को छुपाने के लिए अपनी नाअहली का मलबा दूसरों के ऊपर डालते थे। पीडीएम की महंगाई मुखालिफ एहतजाजी तहरीक कराची पहुंच गई। सरबरा पीडीएम फजलुर रहमान मुजाहरे की क्यादत के लिए रात गए कराची पहुंचे। रीगल चौक पर तैयारियां जारी। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ, महमूद अचकजई और दीगर पीडीएम क्यादत भी खिताब करेगी। ग्यारह जमातें मिलकर डेरा गाजी खान में कॉर्नर मीटिंग तक नहीं कर पाईं। मुराद सईद के करक जलसे में अपोजिशन पर वार। कहा अपोजिशन वाले टीवी खेल रहे हैं, अगले इलेक्शन में सिंध में भी इमरान खान की हुकूमत होगी। सरेंडर किए बगैर जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्त एतराज लगाकर वापस कर दी। आगा सिराज दुरानी नैब की जानिब से वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद से रूपोश हैं। और कोयटा में नवा के लिए बस स्टॉप के करीब धमाका, एक अहलकार समेत 6 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका मोटरसाइकिल में नस्ब टाइम डिवाइस से किया गया। बाजोड़ में भी दहशतगर्दों का वार। रागान डैम के करीब धमाके में 2 पुलिस अहलकार शहीद। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया, सर्च ऑपरेशन जारी।